नमस्कार न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बदाऊ जिले के उसहे थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव में खाना बनाते समय आग लगने से झोपड़ी नुमा 35 घरों में आग लगने से एक बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जबकि 35 मनुखा राशन नकदी समेत लाखों का माल जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची उसहे थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड व स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 35 घर जलकर तबाह हो चुके थे। हम आपको बता देते हैं कि एसडीएम पारसनाथ मौर्य ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्षति का आकलन किया है और पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं मामले में एसएसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि आग लगने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एएसपी का कहना है कि पीड़ित परिवार को खाने पीने की व्यवस्था करवा दी गई है। क्षेत्र में सर जो आग लगी है आज सर, उसके मामले में सर क्या जानकारी है? हाँ, जानकारी मिली कि लगभग 2 बजे रायपुरा गांव में छप्परों में आग लग गई, जहां पर लगभग 35 परिवार जो है प्रभावित हुए हैं और एक बच्ची जो है 4 साल की दंशिका थी, उसकी मृत्यु मौके पर हो गई छप्पर में लगने का। तो सब का पोस्टमार्टम कराने के लिए अभी रात में ही हम लोगों ने यहाँ से भेज दिया हूँ, डीएम को रिकमेंड कर दिया हूँ। और पीड़ित परिवार को छुट्टी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, जल गया सब घर, तो इनको खाने की व्यवस्था करा दिया हूँ और कल सुबह खाद्यान्न इनको औपचारिक रूप से बटवा दिया जाएगा, जिससे इनका एक आध दिन का काम चलेगा और यथाशीघ्र हम इनको जो है सहायता। ये थाना क्षेत्र उसैत के अंतर्गत रायपुरा गांव की घटना है, जिसमें आज शाम को एक्सीडेंटली आग लग जाने से लगभग 30 से कुछ अधिक घरों का नुकसान हुआ है। इस घटना में तुरंत फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच के आग पर काबू पाया, परंतु दुर्भाग्य से एक 4 वर्षीय बच्ची की इस घटना में मृत्यु हुई है। पीड़ित परिवारों को यथासंभव नियमानुसार आर्थिक। समूचे विश्व में अब तक की सबसे अधिक उम्र की महिला का जनपद जालौन में किया जाएगा कोविड-19 वैक्सीनेशन। प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बुजुर्ग महिला का कोविड-19 वैक्सीनेशन से पहले रूटीन स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया है। लगभग 109 साल की उम्र में भी देशवासियों ने प्रेरणा स्रोत बनेगी। कल जिले के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। सम्मान सहित बुजुर्ग महिला को घर तक ले जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिले के मुखिया स्वयं अपने हाथों से सम्मानित कर सकती है। हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर सबूतों के साथ, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखें न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस, मैं हूं आपका अपना देवेश। इस वक्त हम खड़े जनपद जालौन के वीरपुरा गांव में एक बुजुर्ग महिला है, उनका कल वैक्सीनेशन किया जाना है, कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जाना है और उनकी उम्र दस्तावेजों के हिसाब से 109 साल के ऊपर बताई गई है। इस हिसाब से ये कोविड-19 का टीका लगवाने वाली बुजुर्ग, सब विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला बनने वाली है,
इसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां चाक चौबंद है, सारी व्यवस्थाएं पूरी है। कल को सम्मान सहित यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम आएगी, इनको लेकर जाएगी, इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा और उसके बाद इनको सम्मान सहित यहां पर छोड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर गौरव का क्षण होने वाला है, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कल इस पूरे वैक्सीनेशन की सीधी तस्वीरें हम लेकर आएंगे आप तक, आप बने रहिए हमारे साथ। टीपी एक्ट के तहत 3/7 का फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ लिखा गया है मुकदमा। सरकारी जमीन को फैक्ट्री मालिक ने कब्जा किया है। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में सरकारी भूमि को फैक्ट्रियों के मालिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसकी खबर News24 फर्स्ट एक्सप्रेस न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसे जिला प्रशासन कानपुर देहात हरकत में आया और सभी फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ लोक हानि पीपीए एक्ट 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसको लेकर फैक्ट्रियों के मालिकों में हड़कंप सा मचा और कब्जा करने वाली फैक्ट्रियां सभी नेशनल फैक्ट्रियां हैं, कपिला पशु आहार, मोदी ब्रांड, फ्रंटलियर, RSPL, इन सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दादा और किन लोगों ने कब्जा कर लिया? कपिला का कुछ दाब लिया है, कुछ ये प्लांट वाला दाब लिया है। ये कहाँ से कहाँ रास्ता जाता था? ये जाता था यहाँ से लेके बॉम्बे पे जाता था, बॉम्बे से चक रोड बना हुआ है, वहाँ से जो है उसी में जाके मिलता है। और इन्होंने कब्जा कर लिया? कब से कब्जा किए हैं ये लोग? जब से प्लांट बनाए हैं, जिस दिन की खेती थी उन्होंने बेच दिया, इन लोगों ने कब्जा कर लिया, बात ये है। अच्छा, तो आवाजमन बड़ा दिक्कत होती होगी आने जाने में लोगों को? अंदर कोई जाने के रास्ते नहीं है, यहाँ तक खाली पड़ा था, तो यहाँ तक ये बना दिए प्रधान जी। हाँ, बाकी कब्जा किए हैं? कब्जा किए हैं, पता नहीं किसका क्या है, मतलब आप जब से यहाँ तब से देख। देखिए, शिकायत प्राप्त हुई थी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार के नेतृत्व में प्रकरण की जांच कराई गई थी। जिनके भी फैक्ट्रियों के द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा पाया गया, उन सभी के खिलाफ पीपी एक्ट में उप जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दर्ज किया गया है। वाद का निर्धारित समयावधि में सुनकर व बच्चों को सुनकर बुलडोज के खिलाफ निस्तारित कर अतिक्रमणकारी कर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़ी रहिए News24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।